ये बड़े बड़े सींग वाले या ऐसे जो पावरफुल है वो नहीं डरेंगे, वो फैमिलियर है, वो बोलेंगे आजा छू ले, क्या दिक्कत है बता। एंटर करते ही आप यहाँ पे देखेंगे जापानीज बंकर। सो स्वीट यार, खुजली होती होगी ना यहाँ, मज़ा आने लगा है भाई साहब को बहुत ज़्यादा। अरे कैमरे में ना मार दे बस, ये देखो एकदम जैसा वेलवेट होता है ना, ये देखो। Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Good morning guys, एक बार आप सभी लोगों को good morning। कल बड़े थक गए भैया, आपकी एक्टिविटीज करने में मज़ा तो बहुत आया बट भागा दौड़ी में हालत भी बहुत ख़राब होगी। सो अब क्या है, हम जाने वाले हैं वापसी की ओर। वापसी मतलब वही है, अपना पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, पोर्ट ब्लेयर में थोड़ी साइट सीइंग बची हुई है वो करते हैं, वो दिखाते हैं आप लोग। रिजॉर्ट को कर दिया हमने बाय बाय एंड अब जा रहे हैं हम वापस पोर्ट ब्लेयर की तरफ। वहाँ पे एक आइलैंड है रॉस आइलैंड, शायद से हम वहाँ पे जाएंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, बट डिसाइड वहीं पे करेंगे कि साइट सीइंग क्या करनी है। ओके आइए दोबारा से चलते हैं। मैक्रूज ही बुक करवाई थी मैंने वापसी में ही, क्योंकि मेरे को मैक्रूज देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी और लोगों से उसका रिव्यू भी सुना है कि अच्छा है। नॉटिका भी अच्छी है, कई ग्रीन ओशन को भी अच्छा बोलते हैं, बट यही है ना यार, तुम दिल को भाई उसी में जाना चाहिए। धूप बहुत ही कड़क है एंड हम जा रहे हैं कहाँ पे, रॉस आइलैंड की तरफ। वहाँ जाने के लिए भी हमारे को एक छोटी सी बोट लेनी पड़ती है, बट उससे पहले गुड्डू ने मुझे एक चीज़ दिखाई जो मैंने नोटिस नहीं की एंड दैट्स सी अर्चिन्स। ये ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको बीच बीच में, ये ब्लैक ब्लैक बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, ये कांटेदार खाते हैं गुड्डू इसको, खाते हैं इसको अंदर से, मुझे यूजुअली खाने वाली चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे हमें मिलने वाली है वो बोट जो हमें ले जाएगी कहाँ पे, रॉस आइलैंड। जनरली हम ये वाले अभी तक लाइफ जैकेट्स पहन रहे हैं, बट इन्होंने क्या है हमारे को ये वाले लाइफ जैकेट्स दिए हैं। ये वो वाला लाइफ जैकेट है जो मैक्रूज में जिसकी हमारे को दी नहीं थी इंस्ट्रक्शन, जो ऐसे खुलते ऐसे चिक करके अलग हो के, वो वाले एक बार हम करके दिखाते हैं पापा के साथ। ये देखो ये ऐसे खुलता है, ये ऐसे खुलता है। ओके बहुत सारे सी अर्चन्स भी है यहाँ पे। ये है अपनी छोटी सी फेरी, स्पीड लिमिट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको मिलता है टैकोमीटर, मेन इंजन सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। जीवन रक्षक कवच पहनना अनिवार्य है। जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये है हमारा रॉस आइलैंड, और कहते हैं यहाँ पे डियर्स मोर वगैरह सब कुछ आपको दिखने वाले, तो हम भी तो देखे हमारे मोर से कितना अलग है इनका मोर। मैंने एक चीज नोटिस करी है, अंडमान में कहीं भी जाना हो ना आपको थ्रू बोट ही जाना पड़ेगा ज्यादातर जगहों पे। पर हाँ हावलॉक में जो राधा नगर था वो रोड से चले गए थे हम, एक ट्रैकिंग का रास्ता भी था पीछे से। कितना हिस्टोरिक सा लग रहा है ना, ये लग रहा है असली हिस्टोरिक को। अच्छा अच्छा खोल रहा हूँ भैया। वो भी मुझे चिल्ला रहा है लाइफ जैकेट लाइफ जैकेट, भाई का लाइफ जैकेट देना भूल गया मैं। सदा स्वागत रहो।
त्रवती यहाँ फिशिंग कर रहे हैं भाई। एंटर करते ही आप यहाँ पे देखेंगे जापानीज बंकर, यहाँ से बंदूकें बाहर निकालते हैं उन्हें। ये है घूमने फिरने के लिए। और यहाँ पे इसका वीडियो पता क्यों बना रहा हूँ कि दूर से मैंने इसका हब देख लिया कि ये हब तो मैं ही देता हूँ। फिर मैंने सोचा स्टीयरिंग देखूँ, ये तो स्टीयरिंग भी भाई आपके भाई वाला ही है। मतलब हमारे स्टीयरिंग्स देखो कितनी अलग अलग जगहों पर यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर भी सेम वही मोमो का स्टीयरिंग आपको मिलेगा जो यहाँ पर मिल रहा है। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर वेलकम देखो किससे किया है। हेलो बोलो सबको, कितना क्यूट है यार ये सींग, देखो कितने मस्त है, इसके सींग बहुत सॉफ्ट है यार। ये देखो वो तेरा बना हो जाए, मैंने दोस्त बना दिया खुजली करते हुए एक, मजा आ रहा है उसको पता है। वो रही वो बोल रहा और कर, खुजली होती होगी ना यहाँ पे, मजा आने लगा है भाई साहब को बहुत ज़्यादा। अभी दिखाते हैं आपको, यहाँ बहुत सारे डियर्स है यार, बहुत मज़ेदार लोकेशन है। सिंह का साइज देखो, वो लग रहा था कि कोई फीड कर रहा है इसको। वाओ ये भी सॉफ्ट है, पता ये कैसा है इसका सींग, पता कैसा है इसका सींग, पता कैसा है, जैसे वेलवेट नहीं होता वैसा है, वेलवेट की तरह, समझ रहे हो, टच पास ला जरा सींग के पास ला। ये देखो, अरे कैमरे पे ना मार दे बस, ये देखो एकदम जैसा वेलवेट होता है ना, ये देखो वेलवेट की तरह है। हेलो, आओ आपको उसके पास ले चलते, गुड्डू मेरी फोटो ले ली DSLR से। ओ भाई साहब, ये तो बहुत सारे हैं भाई, इतने फ्रेंडली, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हो तुम क्या है। ये देखो दर्जनों के हिसाब से भाई, क्या सीन है, इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, मीटअप चल रहा है कोई? अच्छा ये जो झुंड है ना, ये झुंड देखो दूर दूर जा रहा है, पर ही इज़ नॉट गोइंग अवे। ये देखो ये मेल है तगड़े वाला, इनका श्रेड होता है शायद, मुझे लगता है इनका सींग श्रेड होता है, जो वेलवेट वेलवेट मटेरियल था ना वो इनके भाई साहब के सींग में नहीं है। देखो ये वेलवेट मटेरियल नहीं है, इनका श्रेड हुआ हुआ है। पर एक बात है, डर नहीं रहा भाई बिल्कुल भी। हाँ अरे अरे रुक 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 रुक, हाँ भाई क्या सीन है, ये देखो इससे कोई डर नहीं है। ये जानदार है प्रॉपर्टी जो नहीं भागी यहाँ से, पर इसका फेस बड़ा ही ज्यादा एज्ड है। नोजी कैसा है इसका, सिंग श्रेडेड है, बाकी में यहाँ पे वेलवेट सा लगा हुआ है, देखिए उस पर ना मार दे कैमरे पे। ठीक है भाई मुझे मार लेना अगर फ्रस्ट्रेशन हुई, ये इज वेरी गुड, पर कैमरे भी नहीं मारने का। ऐसे ये बड़े बड़े सिंग वाले या ऐसे जो पावरफुल है वो नहीं डरेंगे, वो फैमिलियर है, वो बोलेंगे आजा छू ले, क्या दिक्कत है बता। और जो थोड़े से ऐसे है जो अभी नए यंग है या अभी छोटे बच्चे है वो भागते है। इतने बड़े सिंग मेरे होते ब्रो, अगर तो मैं भी थोड़ी डरता किसी से। ऐसे लग रहा है जैसे डियर का रिव्यू कर रहा हूँ मैं आज, बड़ा मज़ा आ रहा है। कैसे बनाएगा कोई व्लॉग, इतने अच्छे हैं, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ इनके साथ, पर कैसे बनाए कोई व्लॉग। ये देखो हाथ में DSLR लेके ये मैडम की फ़ोटोज़ खींचनी पड़ती है, बोरी की जो फटाफट भाग जाएगा। अल्टीमेट मैं फोटोग्राफी का ही व्लॉग बना देता हूँ, हाउ टू डू फोटोग्राफी। मुझ पे इसको थोड़ी दया आ गई, बोलती आपका थंबनेल ले लेती हूँ मैं और इंस्टाग्राम के लिए एक दो फोटो ले लेती हूँ, भगवान भला करे तुम्हारा भाई। और ये है हमारा बैकग्राउंड, अरे इधर उधर मत जाओ यार, ढंग का पोज दो भाई।
यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए इतना बहाना, मैंने सोचा सारे इधर क्यों आने लगे वीडियो बनाने, फिर मुझे पता चला कि वीडियो नहीं, वो खाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे वो भैया देख रहे होंगे आप, वो खाना लेके जा रहे हैं इनका। और ये देखो सब लाइन लगा के, वो देखो, ओ भाई 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 भाई, माहेश्मती साम्राज्यम। क्या बैकग्राउंड है भाई, क्या बैकग्राउंड है, अमेजिंग बैकग्राउंड। मिट्टी मिट्टी कर दी इन्होंने, आ रहा है कुछ कैमरे में। वहाँ देखो कैसे देख रहे हैं, शेर नहीं देखा गया कभी वहाँ गाइस, शेर नहीं देखा गया तुमने कभी। ओ छोटू बछड़ू, कितना प्यारा है छोटा बच्चू, देखा तुमने। भाई साहब इनको फीड कर रहे हैं और हम बड़े सही टाइम पे आए। अब हम इनका जो फीड करते हुए भी देख सकते हैं कि क्या ये लोग खाते हैं। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भैया से पूछते हैं एकदम लार। भैया ये क्या चीज़ फीड करते हैं आप इनको? गेहूँ है। गेहूँ है जी, गेहूं है। अरे कैमरा निकाल लियो भाई। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब लोग खा रहे हैं और बाकी अपना अपना वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं लाइन का। भैया थोड़ा सा हाथ नहीं दे सकते? थोड़ा सा लेट्स सी। सो स्वीट यार, रॉस आइलैंड के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट भी है। मॉम ने तो यहाँ पे वेज मंगवा दिया, हम यहाँ पे खाना खा रहे थे और खाना हो चुका है ख़त्म, बट हमारे पीछे एक मोरनी जो है वो खाना खा रही है। Who cares where we gotta be? You know you're not good. Whoa! She's there. Wow, drift मार दिया भाई ने। ये आ गई हमारी सवारी। Yeah, drift, Tokyo drift. बड़ा मजा आया यार इन सब के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करके। क्यों भाई?